एक बार फिर से स्वागत है आपका रिव्यू सी व्यू। और इसके पहले वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरीके से हम अगर चाहें तो अपने समय की कीमत को बढ़ा सकते हैं और अपने समय को सही तरीके से यूज करने के लिए इन वीडियोस को हम रेफर कर सकते हैं। आज आप लोगों से बात करूंगा, ये जो कुछ चीजें आप मेरे पास यहाँ पर देख रहे हैं, आज मैं इसी पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरीके से SJCAM को हम यूज करेंगे, इसके सेटिंग्स के बारे में हमने जाना और इसे किस तरीके से हम अपना बना लेंगे और इसका यूज क्या है, किस तरीके से इसे खोलना है, अनबॉक्सिंग का वीडियो हमने देखा था। लेकिन ये अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें इस पर्टिकुलर कैमरे को अगर हम एक्शन कैमरा बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहें तो इसे ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम वीलॉगिंग कर रहे हैं, अगर हमें चाहिए एक्शन कैमरा, अगर हम कहीं जा रहे हैं, वी नीड टू माउंट इट ऑन द हेलमेट। तो हेलमेट पे माउंट करने का मैंने बहुत सारा तरीका देखा है। लोग अधिकांशतः जो लोग यूज करते हैं, जो तरीका जो यूज होता है वो बड़ा ही क्लमजी है और बहुत ही टाइम टेकिंग है और उससे हेलमेट भी खराब हो जाती है। एमसील लाइए, एमसील पे इसको लगाइए, एमसील को हेलमेट पे लगाइए, फिर उसे सुखाइए, फिर इसे लगाइए, फिर माउंट करिए। ये बहुत ही टाइम टेकिंग और क्लमजी तरीका है जिससे कि हेलमेट भी खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही इजी तरीका, मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें करना है तो मेक इट सच अ वे दैट इट्स इजी फॉर एवरीबॉडी, कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो मैं आज आपके सामने ये हिफिन का थिन माउंट स्ट्रैप लेकर के आया हूं और इसको हम यूज करेंगे और ये कैमरा को माउंट करेंगे हम अपने हेलमेट पे। मैं हेलमेट ले आया हूं, आई हैव परचेज दिस न्यू हेलमेट। देखिए, कॉस्टली हेलमेट का कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली हेलमेट पे जाना है। यू नीड टू हैव अ हेलमेट, एक ऐसा हेलमेट जिस पे आप देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, सामने वाला देखिए किस तरीके से है, ये इस तरीके का हेलमेट है, राउंड। अगर ये राउंड हेलमेट आपके पास है तो आप अगर ये चेन स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरीके से माउंट कर लेते हैं, देखिए, और ये कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली चीज नहीं है, इट्स वेरी हैंडी, इट्स वेरी चीप, लगभग 400 से 500 रुपए में आपको कोई भी ऑनलाइन साइट पे आप खरीद सकते हैं। मैं इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि ये कहीं पर भी आप ऑनलाइन पे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसे लेके बस इतना ही करना है, दिस इज द ओनली थिंग, आपने इस तरीके से इसे पकड़ा और इस तरीके से आपने इसे यहाँ पर माउंट किया और ये जो स्ट्रिप है आपको, ये दो स्ट्रिप यहाँ पर निकली हुई है, आपको एक स्ट्रिप को इसके साथ और एक स्ट्रिप को इसके साथ आपको बांधना है। और ये बहुत ही आसान तरीका है, देख लीजिए, ये इस तरीके से मैंने इसको इस पर माउंट किया, ये इस तरीके से टाइट हुआ यहाँ पर, इसको जितना आप खींचेंगे ये उतना टाइट हो जाएगा और फिर इसे लॉक कर दीजिए। और ये दूसरी वाली भी जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रिप को खोलेंगे, प्लेस इट ऑन द सेंटर। तो ये देखिए मैंने ये कर दिया इस तरीके से, यस, इसे टाइट कर दिया मैंने एकदम टाइट, इस तरीके से हमने इसको इस पर बांध दिया है, ये इस पर माउंट हो गया। और अब हमें क्या करना है, ये कैमरा लीजिए और इसके इस स्क्रू को ऐसे ओपन करिए और इसको इसमें प्लेस करिए, इसको इस पर प्लेस करिए ऐसे, परफेक्ट, सीधा करिए और स्क्रू को टाइट कर लीजिए, दैट्स इट, करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको माउंट कर दिया है, ये बहुत ही इजी है। अब आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए रेडी हैं, मोटो ब्लॉगिंग के लिए ये हेलमेट, अब मैं मोटो ब्लॉगिंग के अलावा मैं नॉर्मली भी पहन करके अगर निकलना चाहूं तो मैं निकल सकता हूं, दोनों ही पर्पस के लिए ये हेलमेट यूज हो सकता है, मोटो ब्लॉगिंग के लिए भी और नॉर्मल बाइकिंग के लिए भी। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये किया। आप भी अगर चाहें तो इस स्ट्रैप को मंगा सकते हैं और अपने मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप को रेडी कर सकते हैं। चलिए आज हम चलेंगे एक राइड के ऊपर, थोड़ा पेट्रोल डलवाएंगे गाड़ी में और उतना दूर तक मैं आपको ये कैमरा की विजन दिखा देता हूँ, किस तरीके से ये कैमरा कितना एंगल में ये कैप्चर करता है और
कितना वाइड रेंज है और इसे बहुत इजी टू यूज है। आप चेक कर सकते हैं आपने क्या रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करते समय रोक करके आप जान सकते हैं कि क्या कितना आपने रिकॉर्ड किया, और आप चाहें तो इसे ऊपर करके इसका रिकॉर्डिंग बटन ऑन करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, एक राइड लेते हैं और जानते हैं कि कितना अच्छी इसकी पिक्चर क्वालिटी है, कितना अच्छा इसमें वीडियो कैप्चर होता है और कितना इजी है ये यूज करना, राइट। चलिए मेरे साथ राइड पे बने रहिए और इस वीडियो का एंड तक देखना ना भूलिएगा। Thank you.